और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे शेख मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिजाल्ला शेसाब असल वरहमल वरकुम वरम्बर नजरिन कराम जैसा कि आप जानते हैं आपको याद होगा कि पिछली मजलिस में हमने सूद के तालुक़ से गुफ्तु की थी उसकी कबाहतें क्या हैं और सूद से बचने के अमली तदाबीर क्या हैं हमारे शेख मोहतरम ने हल्क़े के आखिर में ये बात बताई थी कि अलहद आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं गैर सूदी कर्ज़ देने के लिए और इसके लिए अलहमदिल्ला इस्लामी बैंक कायम हो रहे हैं आलमी सतह पर मुस्लिम दुनिया में भी और गैर मुस्लिम दुनिया में भी आज की इस महफ़िल में भी हमारी जो गुफ्तु है वो कर्ज़ से मुतल है ज़्यादा तफसीत आपके सामने नहीं आ सकी थी आज कर्ज़ के हर जाविए से हम गुफ्तगु करेंगे इनशाला अज़ीज़ और ये जानने की कोशिश करेंगे जो कर्ज बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए उसी तालुक से इन शजीज़ आज हमारी गुफ्तगु होगी सबसे पहले मैं शेख मोहतरम से जानना चाहूँगा कि कर्ज लेने देने में शेख क्या कबाहत है अलहमद والسلام على वलत वसलम والمرسلين وعلى वाल वसाब ही अजमाइन वाला تبعهم बिहसन इलाउमद्दीन अम्माबाद आपने सवाल किया है कि कर्ज लेने देने में क्या कोई कबाहत है देखिए कर्ज अगर ज़रूरत के मौके पर लिया जाए और असूल व जवाब की पाबंदी के साथ उसका लेन देन हो जी जी तो इसमें कोई कबाहत नहीं और उसकी इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया है जी हाँ जी तो कभी कभी कर्ज जिंदगी की एक ज़रूरत के तौर पे सामने आता है तो ज़रूरत पड़ने पर इंसान अगर कर्ज लेता है वक्त पर अदायगी करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं हाँ मसला उस वक्त बनता है कि जब इंसान बिला वजह कर्ज़ ले जी बिला जरूरत कर्ज ले कर्ज लेने को आदत बना ले और कर्ज लेने के बाद वक्त पर अदा ना करे तो ये उलझन है बायस उलझन है और ऐसे ही कर्ज के सिलसिले में कहा गया कि अलकर अल मकरराल सुभान अल्लाह अल कर्ज एक कैंची है जो मोहब्बत को काट के रख देती है बेशक ये कब जब वे उसूली आ जाए इंसान बिला वजह ले बिला ज़रूरत ले वक्त पे अदा ना करे सही तरीके से अदा ना करे तो जिससे आपने कर्ज लिया है उसके और आपके दरमियान जो उल्फतें जो मोहब्बतें माजी से रही होंगी वो मोहब्बत या तो कम हो जाएगी या पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएगी जी बिल्कुल हाँ इंसान उवाब की पाबंदी के साथ अगर कर्ज का लेन देन करता है तो इसमें कोई मुजायक और उसमें किसी कस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए तो शेख हम कुरान में देखते हैं कुरान में जो सबसे लंबी आयत है वो आयतन है कर्ज वाली आयत तो उस आयत में क्या रहनुमाई दी गई है कर्ज़ के ताल्लुक से कर्ज की अहमियत के हवाले से ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद कुरानी मजीद की सबसे तवील आयत सबसे लंबी आयत उसका मौजू है कर्ज इसी से हम समझ सकते हैं कि यह इंसानी जिंदगी का कितना अहम मामला है कि अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब की सबसे तवील आयत वो कर्ज से मुतालिक नाजिल की है एक तो उसका पता जी चलता जी। है और दूसरी बात उस आयत की रोशनी में जो समझने की वो ये है उस आयत का सियाको सबाक देखिए आप उस आयत से पहले जो आयतें हैं उसमें सूद की कबाहत का तस्करा है सूद को छोड़ने की तालीम दी गई है

इन इस तरतीब से खुद ब खुद एक बात समझ में आती है सूद की कबाहत पर दलालत करने वाली आयतों के फौरन बादज़ की आयत आई है ये तरतीब इन आयतों की यह तरतीब बताती है कि अगर आप सूदी नज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि माशरे में कर्ज को रिवाज दिया जाए बेश अगर आप कर्ज को रिवाज नहीं देंगे माशरे के मालदार हाथ नहीं खोलेंगे गरीबों की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे वक्त पर गरीब को पैसा मुहैया नहीं करोगे तुम तो नामुमकिन है कि सूदी निज़ाम का खात्मा हो सके बिल्कुल बिल्कुल ये दर्ज दरअसल कुरानी मजीद देना चाहता है उस सिया सबाक से कि सूद की आयतों के फौरन बाद कर्ज की आयत जो आई है जी जाहिर बात है बेचारा एक गरीब है फर्ज करो कि उसकी कोई औलाद अस्पताल में एडमिट है और उसके लिए पैसे दरकार हैं उसके पास तो कुछ नहीं वो मुआशरे के अमीरों के पास जाता है कहता है कि मुझे कुछ कर्ज दीजिए मुझे अपने बच्चे बच्ची का इलाज कराना है ये सारे अमीर अगर धुतकार दें कर्ज ना दे कहा जाएगा वो वो तो मजबूरी में यही करेगा कि जाओ मैं किसी मारवाड़ी से सूद ले लूं और किसी तरह इलाज कर लूं या चोरी पे आमदा हो जाए या तो चोरी पे आमदा होता है जी कौन जिम्मेदार मैं और आप जिम्मेदार हैं बेशक तो सूदी निज़ाम से अगर आप लड़ना चाहते हैं सूदी निज़ाम को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो माशरे में कर्ज को रिवाज देना पड़ेगा और माशरे के मालदारों को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। एक तो ये तालीम है उस आयत, को ये आयत के सियाक व सबाक से जो बात मालूम होती है और रही आयत जो आयतुलद्दैन है उसके मजामी में बुनियादी तौर पर तीन बातें कही गई हैं तीन बातें पहली बात तो यह है कि कर्ज का लेन देन करो तो उसका वक्त और उसकी मुद्दत मुतयन करो इलाज मुसमन वक्त मुतन कर लो कि यह कर्ज जो लिया जा रहा है दिया जा रहा है ये कितनी मुद्दत के लिए कब इसको वापस करना है जी जी मुद्दत मुतयन हो सबसे पहली चीज दूसरी चीज कुरान ये कहता है कि इस मामले को तहरीरी शक्ल में ला लेना चाहिए अच्छा तहरीरी शक्ल में जी हाँ लिख लेना चाहिए कि जैद बकर से इतने हजार रुपये इतने लाख रुपये कर्ज ले रहा है लिख लिया जाए मामले को और तीसरी चीज कि इस मामले पर दो इंसानों की गवाही ली जाए दो गवाहों के सामने ये मामला हो देखो ये सब बहुत अहम तालीमत है जिनको आज माशरा नजरअंदाज कर रहा है हमको इसकी हमत उस वक्त समझ में आती है जब हम उन उलझनों को देखते हैं जिन उलझनों में वो लोग गिरफ्तार होते हैं जिन्होंने कर्ज का लेन देन करते हुए तहरीरी कार्रवाई ना की हो और गवाह ना रखे हो कैसे मसाइल पैदा होते जानते हैं फरज़ कीजिए कि मुस्तबिल में कर्ज का लेन देन हुआ अदायगी के वक्त दोनों में इख्तलाफ हो गया कि कितनी रकम ली गई थी और कितनी रकम दी गई थी मकदार को लेकर मकदार को लेकर जी हाँ लेने वाला कह रहा है कि मैंने दो लाख रुपए लिए थे और देने वाला कह रहे कि नहीं मैंने ढाई लाख रुपए दिए थे मकदार को लेकर इख्तिला हो सकता है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कर्ज लेने वाला कर्ज ले लिया है और उसने किसी को बताया नहीं उसने किसी को बताया नहीं कि मैंने फलान से कर्ज लिया है अपने रिश्तेदारों अपने बच्चों इंतकाल कर जाए किसी को खबर नहीं कि अब इस पर, पर कर्ज था जी क्या सबूत कर्ज देने वाला आकर पूछे भी कि मैंने इतना कर्ज दिया था क्या सबूत बिल्कुल जी हाँ ऐसे बहुत सारे मसाइल बहुत सारी उलझने हैं जो पैदा हो सकती हैं इसी वजह से शरीयत ने कहा कि कर्ज का लेन देन करो तो लिख लिया करो वक्त के लिए भी बाज दफा बहुत सारी उलझने पैदा होती हैं मैंने आपसे कर्ज लिया वक्त की कोई तय नहीं हुई आप मुझसे कर्ज की अदाय के लिए तकाजा कर रहे हैं बहुत सही फरमा जल्दी नहीं थी मैं सोचा था छह महीने बाद अदा करूंगा बहुत सही फरमा जी हाँ तो देखिए इन तालीम को नजरअंदाज करने की सूरत में कैसे झगड़े पैदा हो सकते हैं कैसे मसाइल जन्म लेते हैं और कैसी उलझने पैदा होती हैं तो ये तीनों बातों का लिहाज रखना चाहिए वक्त हो जाए और लिख लिया जाए गवाह मुकर कर ली लोग इसको क्या समझते हैं तहरीर की जब बात आती है अच्छा मुझ पर भरोसा नहीं मुझ पर एतम नहीं भाई आप पर भी एतमाद है हम पर भी एतमाद है सब एतमाद अपनी जगह बजाए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे सर झुकाइए वो कार्रवाई कीजिए आपकी भलाई मेरी भलाई उसी में है बेशक खा के सवाल इस पर के क्यों लिखे खा क्यों गवाह बनाए खा मका ये चीज़ जो है न, ना बिल्कुल आपके हक में अच्छी है ना मेरे हक में अच्छी है तो कर्ज देने की कोई फजीलत शरीय में आई हुई है शेख गरीबों मोहताजों को जो हम कर्ज देते हैं उसके लिए कोई फजीलत है ज़ाहिर बात है कि उमूमन इस्लाम ने मजबूरों गरीबों और नादारों के साथ हमदर्दी की जो तालीम दी है तो उस पर बड़ी बड़ी फजीलतें भी सुनाई हैं जो भी इंसान किसी गरीब के काम आता है किसी भूखे की भूख मिटाता है किसी प्यासे को पिलाता है किसी ब्रहना शख्स को कपड़े पहना बड़ी फजीलत है जी। तो कर्ज जैसी अजीम ने की कर्ज जैसा अजीम ताउन इसकी फजीलत होनी चाहिए।, होनी चाहिए और बुखारी शरीफ में इस सिलसिले में हदीस भी आती है बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स को अल्लाह तबारक जन्नत दी हालांकि उसके पास कुछ ज्यादा नेकियां ना थी कुछ ज्यादा अमल ना थे कौन सी नेकी, कौन सा अमल? उसका एक अमल था उसकी एक नेकी थी जो अल्लाह तबारक वाली को बहुत पसंद आई शही हदीस इनशा अजीज हम ब्रेक के बाद मुकम्मल करेंगे नाजीन इकराम बहुत अहम हदीस आपके सामने आई है और अभी उसकी तकमील बाकी है इनाजीज़ हम उसकी तकमील करेंगे कहीं जाइएगा नहीं असल वरह वरक असलमकुम वरम वरक नज़र इक्राम वक़े के बाद दोबारा आपका इस्कबाल करता हूँ वक्फ़े पे जाने से पहले शेख मोहतरम ने एक हदीस आपके सामने रखी थी सही बुखारी की जिसमें कर्ज़ देने वाले की फजीलत बयान की गई है भी वो हदीस मुकम्मल नहीं हुई थी इसलिए मैं शेख मोहतरम से चाहूँगा कि वो हदीस मुकम्मल फरमाएँ तो हम जिक्र कर रहे थे कि कर्ज देना एक बहुत बड़ी नेकी है और ऐसी नेकी है कि जिसकी बाकायदा फजीलतें हदीसों में बताई गई हैं तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स उसको अल्लाह तबारक वाली ने जन्नत अदा की हालांकि उसके पास कुछ ज्यादा नेकियां और कुछ ज्यादा आमाल ना थे जी बस उसकी एक नेकी थी जिससे अल्लाह तबारक खुश हुआ और उस नेकी की कदर करते हुए अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी कहा क्या नकी दुनिया में अल्लाह ने उसे माल दिया था दौलत दी थी तो वो अपने इस्माल के जरिए से मजबूरों को गरीबों को वक्त ज़रूरत कर्ज दिया करता था अच्छा अच्छा कर्ज देने के बाद देखता कि जिसने कर्ज लिया है वो गरीब है नादार है बेचारे के अंदर कर्ज को वापस करने की सकत और ताकत नहीं है माफ कर देता उसको आगे जाओ माफ़ कर दिया मैंने और अगर देखता कि उसके अंदर कर्ज वापस करने की ताकत तो है मगर वो मोहलत चाह रहा है दो महीने तीन महीनों का टाइम था वो चाह रहा है कि और वक्त दिया जाए तो और वक्त देता था जब भी उससे कोई दरख्वास्त करता और वक्त दीजिए मुझे कर्ज के अदाय के लिए तो मोहलत दिया करता था बस उसकी ये नेकी है जो के पास इस कदर काम आई कि रबालमीन ने इस नेकी की कदर करते हुए उसे जन्नत दे दी बहुत बड़ी फजीलत है हाँ हाँ इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता लेकिन अल्हमदिल्ला देखिये कितनी बड़ी नकी है ये शेख एक और सवाल कहा जाता है कि कर्ज जिसको आपने दिया है उसका हदिया कबूल नहीं करना चाहिए ऐसा क्यों है हाँ जी ये भी कर्ज से मुतालिक अहम मसला ये भी कि जिस शख्स को आपने कर्ज दिया है वो अगर आपको कोई हदिया ला के देता है तो वो हदिया कबूल नहीं करना चाहिए कर्ज देने वाले को क्योंकि अच्छा। वो हदिये की नीयत से दे रहा हो सही लेकिन वो चीज हदिये के बजाय सूद बन सकती है अच्छा हाँ सवाल यह है कि उसने मुझे मेरे कर्ज देने से पहले हदिया क्यों नहीं दिया मेरे कर्ज देने से पहले क्यों नहीं दिया उसको कभी मुझे जिंदगी में हदिया देने की तोफीक ना हुई और जब मैंने उसे कर्ज दिया है तो मुझे हदिया लाके दे रहा है तो ये तो गोया वैसे ही हो गया कि जैसे आपको कोई सूद खोर दस हजार रुपये देकर ग्यारह हजार वापस लेते एक हजार का फायदा उठाता है वैसे ही मैंने आपको कर्ज देकर इस हदिया का फायदा उठाया है बिल्कुल तो चूंकि नाम घर से हदिये का है लेकिन उसकी शक्ल सूद की बन सकती है बन सकती है इस वजह से ये कहा गया है कि जिसको आप कर्ज देते हैं उसका हदिया भी कबूल ना कीजिए हाँ एक सूरत में जायज है वो कब है जानते हैं कि कर्ज देने से कबल अगर आप दोनों के दरमियान हदिये के लेन देन का तामुल होता रहा है उससे पहले भी उसने आपको दिया है या आप उसको दिए पहले से आप दोनों के दरमियान ये तामुल और मामला रहा है तो अब कर्ज देने के बाद भी आप हदिह का लेन देन जारी रख सकते हैं जी जी ये हुक्म उन लोगों के लिए है कि जिनके दरमियान कर्ज देने से पहले कभी हदिये का लेन देन न हुआ अच्छा जी लेकिन एक हदीस है जो बहुत मशहूर है शेख की ख्यार हसन कदान हाँ तो ये कजा या अच्छी अदायगी का क्या मतलब है यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान के अखलाक की दलील है कि कर्ज अदा करते हुए वो अच्छे तरीके से अदा करे हुसन कज़ा जैसे आपने इशात कहा कि हुसन कजा हो जो कर्ज तुमने लिया है उसको भले तरीके से अदा करो ये हुसन कजा का मतलब क्या है एक तो ये है कि जो वक्त मुतन है वक्त पे दिया जाए जी सबसे पहले ये बिल्कुल और दूसरे दो पहलू हैं हसन कजा के जो मैं समझता हूँ प्यारे नबी सल्लाम की इन दो हदीसों की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि एक हदीस तो ये है कि प्यारे नबी सलम ने एक बद्दू से कर्ज, लिया था। अच्छा। एक से कर्ज लिया था कर्ज लिया था अब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आप सलान दराजी करने लगा अच्छा। हाँ जी साहबा के राम रजवान को गुस्सा आया के प्यारे नबी के साथ ऐसी जबान दराजी कर रहा है तो प्यारे नबी ने साहबा से कहा छोड़ दो उसको उसकी हालत पे हकदार को कहने का हक पहुंचता है बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी हालांकि यहाँ प्यारे नबी से कोई कोताही नवजबल्ला नहीं हो रही थी कर्ज की अदायगी में वो बद्दुओं के मिजाज में जो तहजीब तमदन से नाचना होते जी हैं जी। अदब के तकाज़ों से नाचना होते हैं उसी मिजाज ने उसको नबी करीम सल वसम के साथ जोर जबरदस्ती करने पर आमदा कर दिया लेकिन प्यारे नबी ने कहा उसने कर्ज दिया है उसका हक मेरे पास है हकदार को कहने का हक पहुंचता है अल्लाह। देखिए एक तो ये वाक दूसरा वाक़ जिससे हुसन कजा के मफहम पर रोशनी पड़ती है कि नबी करीम सल्लाम ने एक शख्स से कर्ज लिया था एक जानवर ऊँटनी जी कर्ज में ली थी जब अदायगी का वक्त आया तो प्यारे नबी सल्ला वसलम के पास वो शख्स वापस लेने के लिए आया ऊंटनी तो जिस उम्र की और जैसी ऊँटनी प्यारे नबी ने कर्ज में ली थी उस उम्र की और वो ऊँटनी मिली नहीं देने के लिए उससे बेहतर ऊंट मिली जो ऊंटें कर्ज में ली गई थी उन मुआसफात की नहीं मिली उन मुआसफात की नहीं मिली उससे बेहतर उससे सेहतमंद उससे मोटी ताजी और उससे ज्यादा कीमती ऊंट मिली तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह ने भी ये कैसे दे हम आपने कहा वही दे दो फइन्ना खियारकुम अहसनकुम قضاء इसलिए कि तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अपने कर्ज की हुस्न अदाएगी करते हैं अच्छा तो ये दो वाकिए हैं दो मिसालें हैं जिनसे कर्ज के हसन अदायगी के मफह पर रोशनी पड़ती है तो शेख क्या कोई खुद से खुद चाह कर बगैर मतालबे के सामने वाला कोई मुतालबा नहीं कर रहा है कर्ज की अदायगी करते वक्त कुछ ज्यादा दे सकता है हजरत जाबिर रज़ी एक हदीस आती है वो फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने मुझसे कर्ज लिया था एक मरतब तो आपने कर्ज अदा किया फ़ाणी वनी तो आप सल्लास ने वो कर्ज अदा किया और कुछ साथ मजीद भी मुझे दिया तो इससे इल्म कहते हैं जो गैर मशरूत हो अच्छा कर्ज देते हुए जिसकी शर्त ना रखी गई हो और देने वाले के काबू ख्याल और उसकी नीयत में भी ना रही हो कर्ज लेने वाला खुद चाह कर ऐसा कुछ ज्यादा देता है अपनी खुशी, तो से।, अपनी खुशी से कोई हर्ज नहीं है अलबत्ता यहाँ याद रहे कि इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए सूद का अच्छा सूद का लेन देन करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए इसलिए कि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग लोगों को कर्ज देते हैं क्या बोल कर देते हैं अपनी खुशी से कुछ डाल के दे दो हुँ ये हुँ तो वही हो गया बिल्कुल सही बात है यहाँ तो बस आप सूद की मिकदार मुतयन नहीं कर रहे सूद तो हो गया खोल के बैठा हुआ है बिल्कुल जब आपने ये कहा अपनी खुशी से कुछ डाल कर दे दो कुछ मिलाकर दे दो यहाँ तो सूद तय हो गया बिल्कुल और बात है कि आप मकदार तय नहीं कर रहे हैं देने वाले की नीयत में ही नहीं होना चाहिए कि कुछ ज्यादा आएगा उसकी सोच में ही नहीं होना चाहिए कि कुछ ज्यादा आएगा लेने वाला अगर खुद चाह के कुछ ज्यादा देता है तो जियादती जो गैर मशरूत होती है जिसकी शर्त ना रखी गई हो पहले से पहले से तो उस जियादती की कि कि किसी हद तक गुंजाइश शरीयत में मौजूद है बेशक लेकिन शेख आज के हम जमाने में देखते हैं कि अक्सर मालदार तबका जो है वो कर्ज देने से कतराता है कर्ज देना नहीं चाहता है क्या वजह हो सकती है इसकी देखिए मालदार तबका कर्ज देने से कतराता है कर्ज नहीं देते हैं तो इसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। पहली बुनियादी वजह तो इस मालदार के अंदर पाए जाने वाली बकीली जी बखीली जी बखीली कहना चाहिए इसे मालदार को जी जी जो कि कर्ज नहीं देना चाहता बाज मालदार बखीली माल से मोहब्बत तिजोरिया भर भर के रख रहा है पैसा सालों से जो है पड़ा हुआ है कोई उसे छूने वाला नहीं पर किसी गरीब को नहीं देना चाह रहा वो जी बिल्कुल तो ये तो हवस हो गई माल से बे इंतहा और हद दर्जे मोहब्बत हो गई लालच हो गई बकीली हो गई जी एक तो ये सबब है और उससे बड़ा सबब जो हम समझते हैं कि अगर मालदार कर्ज नहीं देता है कर्ज लेने वालों की बेहताली जो भी मजबूर जो भी गरीब कर्ज लेता है वो वक्त पे अदा नहीं करता है एकदम लापरवाह लापरवाह कर्ज लेने तक तो वो हमारे घर आता रहा चक्कर काटता रहा और जब देने की बात आ रही है तो हमें उसके घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जी अब ऐसा होगा तो बताइए लाइल मर्रते इंसान बेचारा कोई कर्ज देने वाला मालदार देता है और ऐसे एक से दो तर्क तजुर्बे उसको हो जाए तो वो क्या करेगा ज़हिर बात है कि वो एहतियात करेगा बेशक इसलिए हम समझते हैं कि दोनों जानब से इत्यादा आना चाहिए मालदारों को चाहिए कि वो माल की मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए कर्ज दें बेश जजाक लाख नाजिर कर ला आपने देखा कि कर्ज जो इतना बड़ा मसला है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनों का सबब बनता है अगर हम उसे शरीयत की रोशनी में हल करने की कोशिश करें अगर हम कर्ज का लेन देन उस तरीक़े से करें जैसे अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है तो हमारी ज़िंदगी में ये उलझने कभी नहीं आएँगी अल्लाह आलमीन से दुआ करें कि आलमीन जो लोग हमारे समाज और माशरे में कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी के लिए कोई सबील पैदा फरमा दे आमीन व वसलम व वबरकू